नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का प्रसिद्ध पंजाबी दशहरा मलदहिया पर धूमधाम से मनाया गया। भगवान राम ने रावण को मारकर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया। वाराणसी सहित प्रदेश में आज विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है। इस पावन पर्व पर बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत हुई। वाराणसी में पंजाबी दशहरा के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार मलदहिया चौराहे पर सकुशल संपन्न हुआ। इस अवसर पर भगवान राम ने रावण के पुतले का दहन कर बुराई पर अच्छाई की जीत के इस पावन पर्व को मनाया। हजारों की संख्या में लोगों ने इस अवसर पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की सुरक्षा की कमान संभालने के लिए वाराणसी के पुलिस अधिकारी मंच पर उपस्थित थे। इसके साथ ही वाराणसी में दुर्गा पूजा पर पंडालों में भी काफी भीड़ देखी गई। आज के दिन माँ दुर्गा के भसान का दिन होने की वजह से वाराणसी में प्रशासन काफी चौकस दिखा। आप देख रहे हैं वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे की रिपोर्ट। तिलक राज कपूर राष्ट्रपति पदक प्राप्त समाज सेवा संघ के संस्थापक व महामंत्री, आज ये कार्यक्रम दशहरा उत्सव का जो हो रहा है, इसका इतिहास ये है कि पिछले 70 वर्षों से लगातार ये कार्यक्रम समाज सेवा संघ की तरफ से मनाया जाता है और आम जनता जो हमारे काशी की है उनका पूरा सहयोग मिलता है। ये कार्यक्रम का इतिहास ये है कि काशी के अंदर हमारे इस आयोजन से पहले इस प्रकार के विशाल रावण के मेघनाथ के पुतले नहीं जलाया करते थे। यहाँ रामलीला जो होती थी, विशेषकर रामनगर में जो पूरी दुनिया में विख्यात थी, वहाँ भी इस प्रकार का पुतला नहीं जला करता था। और काशी में जो भी पुतले जलते थे उनकी ऊंचाई 8 फुट 9 फुट से ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, लेकिन पंजाब से आए हुए हमारे भाइयों ने, जिसमें एक मैं भी हूँ, क्योंकि और जितने मेरे संस्थापक हैं वो आज दुनिया में नहीं हैं, और विशेषकर क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य ये है कि ये समाज को हम लोग बताते हैं कि बुराई के ऊपर अच्छाई की हमेशा जीत होती है और जो सच्चाई है वो कभी छिप नहीं सकती। जैसे ये कहा गया है कि सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। भाइयों, यहाँ ये एक पुतला हम लोगों की संस्था की हमारी मजबूरी है। विशेषकर हमारे अध्यक्ष लोकप्रिय माननीय मंगल सोनी जी बहुत प्रयास किए संस्था ने किए, लेकिन चूंकि जगह का जहाँ ये आयोजन हो रहा है जगह हम लोगों के लिए बहुत कम पड़ रही है। इससे पहले सन 1964 से लेकर लगातार 2004 तक काशी विद्यापीठ के मैदान में इस कार्यक्रम को कराया जाता था। वो मैदान बहुत बड़ा था और वहाँ हम लोग 3 पुतले जलाया करते थे, और आज ये स्थान कम पड़ रहा है, इसलिए मजबूरन चूँकि हमारे सामने पब्लिक की सुरक्षा भी एक ज़रूरी है, सुरक्षा की दृष्टि से सिर्फ यहाँ एक ही रावण का जो एक मुख्य है, इसका पार्ट है, उसी का हम लोग पुतला जला रहे हैं। और सुरक्षा की दृष्टि से क्या व्यवस्थाएं, क्योंकि यहाँ पे भव्य तरीके से विजयदशमी का त्यौहार यहाँ पे मनाया जाता है, उसके लिए हमने यहाँ पे पूरी फोर्स लगा रखी थी। 2-3 दिनों से लगातार तैयारी कर रखी थी। यहाँ पे कई सारे सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी हमने लगाई थी, और चारों तरफ से इसके अलावा हमने अग्निशमन दल को भी बुला रखा था, एम्बुलेंस की भी व्यवस्था कर रखी थी और इलेक्ट्रिशियन की भी व्यवस्था कर रखी थी कि किसी भी तरीके के हम सभी तरीके से तैयार थे। और इतनी क्राउड है, उस क्राउड को विजयदशमी के पावन अवसर पर हमारे तरफ से पूरे
जिला प्रशासन की तरफ से, जिला पुलिस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और यह त्यौहार जो है असत्य पे सत्य की विजय को दर्शाता है, और उसी के संदर्भ में मैं एक बार पुनः पूरे काशीवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। प्रशासन यहाँ पे तैनाती की गई, यहाँ पे काफी लगभग 70-80 जो है हमारे जवान यहाँ पे लगाए गए थे। इसके अलावा हमने PRP की भी व्यवस्था यहाँ पे कर रखी थी, फैंटम की व्यवस्था कर रखी थी, तो चारों तरफ से लोगों को देख के जो लोग सुरक्षा जो है प्रशासन की प्राथमिकता है, उसी के संदर्भ में हमने सारी व्यवस्था यहाँ पे कर रखी है। इसी से क्या व्यवस्था किया गया यहाँ पे? यहाँ पे पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगाया गया था, PSC भी यहाँ प्लाटून थी, और हमारी जो है सोसाइटी वर्टी भी यहाँ पे लगाई गई थी। इसके अलावा समाज संगठन के उसी भी लोग यहाँ पे, अभी आपके सामने यहाँ का रावण दहन जो मैं भैया का है सब संपन्न है, अभी साथ में कई जगहों पर 30 लोगों का आज रावण दहन होना था, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन भी लगातार चल रहा है, आज 79 दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन होगा रात में, और कल काफ़ी संख्या में विसर्जन तो आज नहीं हो सकता है, मंगलवार के दिन की वजह से कल होगा। पूरे शहर में भी शांति है, और त्यौहार पूरी तरह से कुशल संपन्न कराया जाए। संवारे अपना भविष्य इंदु प्रकाश फार्मेसी के साथ, डी फार्मा और बी फार्मा करके। इंदु प्रकाश फार्मेसी एट हल्दरपुर मऊ और साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी से एलोपैथिक में डी फार्मा करें। विजिट साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिकटिया, रोज गार्डन के सामने मऊ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।